बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट. माय नेम इज प्राची कौशिक. हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में जेनेटिक में हमने कुछ लॉज पढ़े थे जो कि मेंडल्स के थ्रू दिए गए थे, ठीक है. उससे पहले हमने कुछ क्रॉसेस भी पढ़े थे जो कि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस था. तो अभी हम अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को लेके, तो उसमें हमारे दो प्रिंसिपल आते हैं. एक मतलब कुछ हमारे दो एक्सेप्शन केस में आते हैं इन अ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है. तो फर्स्ट जो आता है हमारा वो आता है एक हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक आता है हमारा इसमें को डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस डायरेक्टली आपसे एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछता है. उसके बाद अगर आपका जैसे अब टर्म वन है तो टर्म वन में अकॉर्डिंग आपका क्या पूछेगा, यहाँ पे आपकी रेशियो पूछ लेगा कि F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में इसकी रेशियो क्या होती है, क्लियर. और कुछ मतलब जैसे जो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो ये किसने दिया था, किस पर दिया था, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं. तो उसको देखते हैं अभी. तो फर्स्टली यहाँ पे क्या है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो पहले इसकी एक थ्योरी समझते हैं उसके बाद फिर इसका एक क्रॉस देखेंगे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द फिनोमिनॉन वेयर नन ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग एलिलीज, मीन्स यहाँ पे कोई भी मतलब टू हैं और कॉन्ट्रास्टिंग एलिलीज और फैक्टर इज डोमिनेंट, मतलब कोई भी जो हमारी दो एलिलीज हैं वो हमारी क्या है कंट्रास्टिंग एलिलीज क्या नहीं है या फैक्टर इज डोमिनेंट नहीं है, क्लियर. द एक्सप्रेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशंस हैं इन अ हाइब्रिड और F1, मतलब जब F1 जनरेशन में जब उसको हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो उसका एक्सप्रेशंस इंडिविजुअल इज इंटरमीडिएट और अ फाइन मिक्सचर्स. ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही बहुत ध्यान से समझना. इंटरमीडिएट है और अ फाइन मिक्सचर्स है ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द टू फैक्टर्स, मीन्स जो दोनों फैक्टर्स हैं दोनों फैक्टर्स का एक्सप्रेशंस का फाइन मिक्सचर्स. अब ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा अभी आपको, अभी मैं आपको क्रॉस के अकॉर्डिंग बताती हूँ तो बहुत इजी लगेगा. देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो सबसे पहले जो हमारा दिया था किसने दिया था, कार्ल कॉरेंस ने दिया था, ठीक है. कार्ल कॉरेंस फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन किसमें रिपोर्ट किया गया था, ये दिया था 4 o'clock प्लांट में, ठीक है. प्लांट था मतलब कोई स्पीशीज थी मतलब प्लांट की, उसमें प्लांट था कौन सा, 4 o'clock, ठीक है. ये आपका यहाँ पे मिराबिलिस ज़लापा था, कौन सा था, मिराबिलिस ज़लापा, ठीक है. इसमें यहाँ पे आपका एक ये भी है, आप इसमें यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, एंटेरिनियम मेजेस, ठीक है. एंटेरिनियम मेजेस जो था आपका वो था डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर के इसको इसके नेम से भी जानते हैं डॉग फ्लावर और एंटेरिनियम मेजेस, क्लियर. एक यहाँ पे आपका ये स्नैप ड्रैगन के नाम से भी आता है, स्नैप ड्रैगन फ्लावर, क्लियर. तो आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछ पुटअप क्वेश्चन हो जाएगा कि इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और किसके अंदर डिस्कवर किया. तो कार्ल कॉरेंस ने डिस्कवर्ड किया एंड रिपोर्टेड इन या किस में रिपोर्ट किया, 4 o'clock फ्लावर में और मिराबिलिस ज़लापा में, और एंटेरिनियम मेजेस उसको डॉग फ्लावर और स्नैप ड्रैगन फ्लावर के नाम से भी जानते हैं. अब इसको क्रॉस को बहुत अच्छे से समझिए. यहाँ पे क्या है, सपोज अगर मैं पहले पेरेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट, तो इन पेरेंट्स में यहाँ पे अगर कोई एक रेड कलर का फ्लावर है और एक वाइट कलर का फ्लावर है, रेड एंड वाइट, ठीक है. तो जो रेड है उसको मैंने यहाँ पे कैपिटल RR माना है, क्लियर, और वाइट जो है वो कैपिटल WW है. जब R और W मतलब रेड एंड वाइट आपस में जब क्रॉस करते हैं तो बेटा F1 जनरेशन यहाँ पे इसमें आएगी हमारी F1 जनरेशन, ठीक है. तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, R और W. सपोज जैसे यहाँ पे ये वाला R है और एक ये W है, ठीक है. अब इस R का क्रॉस कराओगे आप इस W के साथ तो RW आ जाएगा, इस R के साथ इस W के साथ क्रॉस कराओगे तो RW आ जाएगा, अब इस R के साथ इस W का क्रॉस कराओगे तो RW. मतलब ये जो हमारा ये वाला R है इन दोनों W के साथ क्रॉस कराया, देन फिर इस वाले R का इन दोनों W के साथ क्रॉस कराया, क्लियर. तो यहाँ पे क्या आया, ऑल पिंक,
यहाँ पे आपको कैसा कलर देखने के लिए मिला कि जब रेड एंड वाइट आपस में फ्यूज होंगे, आप बोलोगे आप हाइब्रिड होंगे, जब इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा तो उसमें पिंक कलर आ जाएगा, क्लियर। एवन जनरेशन में तो पिंक हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, RW ले लो आप और इसको पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है, जो कि हम ये ऑलरेडी अपना जब हमने क्रॉस पढ़े हैं तब ये हम ऑलरेडी अपना पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा R हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे W, तो उसको क्रॉस कराओ, RR RW, क्लियर। एक आ जाएगा आपका यहाँ पे RW और एक हो जाएगा आपका WW। तो बेटा RR ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये रेड हो जाएगा, रेड। RW पिंक हो जाएगा, ठीक है, RW अगेन आपका पिंक हो जाएगा और WW कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाइट। तो यहाँ पे इसमें F2 जनरेशन में इसकी जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, F2 जनरेशन में रेशियो कैसी आएगी, एक तो आएगा रेड, एक आएगा पिंक और एक यहाँ पे आएगा वाइट, यही आएगा। अब इनकी कितनी नंबरिंग में है ये नंबरिंग देख लेते हैं। जो रेड है वो तो एक है, ठीक है, इसके बाद पिंक एक और एक ये दो, तो 2 हो गए और यहाँ पे कि ये वाइट हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि A1 जनरेशन्स में तो ऑल पिंक थे, बट जब हमने यहाँ पे वाइट नहीं मतलब जैसे पिंक के साथ अपने मतलब इसी की आप यहाँ पे बोल सकते हो उसकी हमने क्या करा दी, जैसे सेल्फिंग करा दी, क्या कराई थी, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग करा दी तो सेल्फिंग कराने के बाद RW मतलब पिंक का आपस में जब क्रॉस कराया तो उसमें हमें रेड वाले भी जो फ्लावर थे वो भी शो हुए, पिंक भी शो हुए और वाइट भी। अब आप इसको थ्योरी से देखो, थ्योरी में यहाँ पे यही कह रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक फिनोमिनॉन है वेयर नन ऑफ 2 कंट्रास्टिंग एलिलीज, जिसमें से कोई भी जो कंट्रास्टिंग एलिलीज है और फैक्टर इज डोमिनेंट, कोई सा भी आपका यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने आप को जो F1 जनरेशन है आप यहाँ पे अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस कर पाए या फिर अपने आप को डोमिनेंस नेचर शो कर पाए, ठीक है, वो क्या है, कोई सा भी अपने आप को शो नहीं कर रहा, वो दोनों का क्या रहा है, इट्स अ फाइन मिक्सचर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एक्सप्रेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ हाइब्रिड और F1 जनरेशंस में जो हाइब्रिड जो कराया है तो क्या आया, उसका इंटरमीडिएट आया है, इंटरमीडिएट मीन्स इज अ मिक्सचर्स, फाइन मिक्सचर्स आया, दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, क्लियर। और अ फाइन मिक्सचर्स ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द 2 फैक्टर्स, तो वही कह रहा है कि यहाँ पे हमें दोनों का कॉम्बिनेशंस मिल गया, फाइन मिक्सचर्स मिल गया और F2 जनरेशन में हमें इसकी रेशियो मिल गई 1:2:1, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमारा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और जो सेकेंड आता है वो आता है हमारा कोडोमिनेंस, उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कोडोमिनेंस, जो कि कोडोमिनेंस में हमारा क्या आता है, एक ब्लड ग्रुप आता है और एक आता है हमारा मल्टीपल एलील्स। बेटा ये भी हमारा क्या है, एक एक्सेप्शन ही है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या कहता है यहाँ पे कि वी वर डिस्कसिंग क्रॉसेस वेयर द F1 जनरेशन रिसेम्बल्ड आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे जब आपस में क्रॉसेस कराते हैं तो F1 जनरेशन जो है रिसेम्बल करती है किससे, आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स से जो डोमिनेंट होते हैं और वॉज इन बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस से भी रिसेम्बल कर सकती है जो F1 जनरेशन है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस से भी रिसेम्बल कर सकती है, क्लियर। बट इन द केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेम्बल बोथ पेरेंट, लेकिन को डोमिनेंस के केस में कि दोनों ही पेरेंट्स से F1 जनरेशन क्या होगी, रिसेम्बल करेगी। इसमें आपका डायरेक्टली जो आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है वो ब्लड ग्रुप को लेकर होता है, ब्लड ग्रुप, एंड एक यहाँ पे आता है आपका इसमें मल्टीपल एलील्स, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली यहाँ से पूछ लेगा कि मतलब व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, और आपको यहाँ पे कई सारे मतलब MCQ में 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें कि आपको एक मल्टीपल एलील्स मिल जाएगा और एक ब्लड ग्रुप, तो दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं कोडोमिनेंस के, क्लियर। तो फर्स्टली अभी हम अपना यहाँ पे ब्लड ग्रुप डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसा होता है, कौन से उसमें एंटीजेंस होते हैं, किस तरीके से कौन डोमिनेंट होता है और कौन किस तरीके से रिसेसिव केस में आएगा, क्लियर। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारा कुछ RBC मतलब हमारी, हमें पता है RBC होती है हमारे ब्लड में, तो जब RBC होती है तो बेटा उसमें हमारे कुछ एंटीजेंस होते हैं, क्लियर। अभी तक आपने यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे मीनिंग मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग है, आपने एंटीजेंस का मीनिंग ये पढ़ा होगा कि एंटीजेंस जो होते हैं विच कॉज अ डिसीज़, है ना, यही पढ़ा होगा कि जो डिसीज़ कॉज करते हैं,
विच कॉज अ डिसीज। लेकिन हम यहाँ पे इस वाले एंटीजेंस की बात नहीं कर रहे जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारे कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो थ्री टाइप के होते हैं वैसे तो आपके। ठीक है, कौन कौन से थ्री टाइप के होते हैं देखो। फर्स्ट तो होता है आपका ए ब्लड ग्रुप, सेकंड बी ब्लड ग्रुप, एंड थर्ड इज आपका होता है एक ओबी ओ। ठीक है, और एक फोर्थ आपका होता है एक एबी। मतलब थर्ड तो हो गया ओ ब्लड ग्रुप और एबी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो वो होता है हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप। अब मैं आपको बता रही थी कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी मीन्स इज अ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हम इरिथ्रियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसका यहाँ पे क्या नाम होता है, इरिथ्रियोसाइट। इरिथ्रियोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी हो गया। इसकी जो शेप होती है इस तरीके से, इसकी जो शेप हो गई वो कैसी हो गई, ये सब बाइकॉनकेव शेप हो गई इसकी, बाइकॉनकेव। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, देन वी विल डिटरमाइन टू द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या होता है यहाँ पे, एंटीजेंस प्रेजेंट antigen presents on the surface of RBC, RBC के surface पे जो antigens present होते हैं, ठीक है, then which easily identify or determine, identify blood group, ईजीली हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी आरबीसी के सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, आप देखो जैसे ये आरबीसी है इस तरीके से, यहाँ पे सपोज अगर ए एंटीजन है, ठीक है, कौन सा एंटीजन है यहाँ पे, ए एंटीजन, एंटीजन ए, अगर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी, मतलब ए हो गया। ठीक है, ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। सपोज अगर यहाँ पे एंटीजन बी है, अगर यहाँ पे एंटीजन कैसा है, बी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इस पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको साइड में लिख रही हूँ ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। सपोज अगर ये इसकी आरबीसी पे यहाँ पे ए बी एंटीजन है, कैसे एंटीजन है, ए बी, तो यहाँ पे ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। और अगर इसकी आरबीसी यहाँ पे नो एंटीजन, मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नो एंटीजन, नो एंटीजन, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर। अब इसको आप यहाँ पे जो आपका एक एमसीक्यू पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो ये हो सकता है कि ब्लड ग्रुप में जो हमारे एक होता है फीनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। तो अभी हम यहाँ पे पढ़कर भी आए हैं पहले कि हमारा फीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फीनोटाइप एंड जीनोटाइप। फीनोटाइप ब्लड ग्रुप में कितने होंगे, फोर। फीनोटाइप मतलब हो गया हमारा फिजिकल अपीयरेंस, क्या हो गया, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, तो वो कितने हो गए, फोर। कौन कौन से फोर हो गए, अभी हमने यहाँ पे देखा ए बी, ए बी एंड ओ, तो ये हमारे फिजिकली हो गए, ए बी, ए बी एंड ओ। क्लियर। इसके बाद जीनोटाइप, जब जीनोटाइप हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ एलील्स होती है, कैसे, मतलब जो इस ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस कर सके तो वो हमारी जीनोटाइप में आएंगी। क्लियर। जैसे इस तरीके से होती है आई ए, आई बी, एक होती है आपकी आई ए स्मॉल आई, ठीक है, आई बी स्मॉल बी इस तरीके से, और स्मॉल आई तो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे आप ये भी मान सकते हो आई ए, आई ए और आई, आई बी, आई बी। तो इस तरीके से हमारी टोटल होती हैं जो कि हमारी सिक्स होती हैं। तो मैं आपसे ये बोल रही थी यहाँ से हमसे क्यों पुटअप हो सकता है आपसे कि ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप कितने नंबरिंग में होते हैं, फोर, जो कि आपकी ए बी एंड ए बी एंड ओ है, और जो जीनोटाइप होते हैं उनकी नंबरिंग सिक्स होती है इस तरीके से। अभी मैं आपको इसको एक चार्ट के फॉर्म में भी बताऊँ। क्लियर।
अभी इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब वो पॉइंट्स कैसे आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ये जो हमारी एलिलीज हैं जो एक्सप्रेस करेंगी, क्लियर, तो ये इसमें हमारी आई ए भी आएगी और आई बी भी आएगी और स्मॉल आई भी आएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक है हमारा आई ए और एक है आई बी और एक है बेटा हमारा स्मॉल आई, ये तीनों हमारी क्या हैं, ये एलिलीज हैं, एलिलीज, ठीक है, एलिलीज ऑफ एंटीजन्स लिख सकते हो आप, एलिलीज ऑफ एंटीजन, ठीक है, जो हमारी ब्लड की होती हैं, क्लियर। अब हम ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब जो अपने आप को डोमिनेंट करे, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आई ए एंड आई बी है ये क्या है, ये इस ओवर डोमिनेंट है इसे स्मॉल आई के, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आई ए और आई बी आर ओवर डोमिनेंट स्मॉल आई, ये जो हमारा स्मॉल आई है, ठीक है, इस स्मॉल आई की क्या है, ओवर डोमिनेंट है, इसको एक्सप्रेस करता है, मतलब इसी को, इसको, इस स्मॉल आई को तो हाइड कर देगा और अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा, शो कर देगा, क्लियर, बट नॉट अ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा आई ए और आई बी है आपस में इन दोनों को डोमिनेट या इन दोनों के किसी भी कैरेक्टर्स को हाइड कर दे और अपने कैरेक्टर को ज़्यादा एक्सप्रेस कर दे, क्यों, क्योंकि दोनों ही कैसे नेचर के हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही डोमिनेंट हैं, जितना आई ए है उतना ही आई बी है, तो दोनों ही इक्वली डोमिनेंसी शो करते हैं एज कम्पेयर टू दिस स्मॉल आई के, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट ये हो गया, अब इनके बीच में क्या आता है, एक रेशियो बनता है, मतलब एक रिलेशनशिप बनता है, क्या रिलेशनशिप बनता है, इनके बीच में यहाँ पे एक ये रिलेशनशिप बनता है, देखो कि आई ए इक्वल आई बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, स्मॉल आई, मतलब स्मॉल आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स इज एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कंपैरिजन टू इनके। तो यहाँ से भी एक आपका ये एमसीक्यू पुट अप हो सकता है, एक एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं कि ब्लड ग्रुप में कितने फेनोटाइप होते हैं और कितने जीनोटाइप होते हैं। अभी हम इनको यहाँ पे देखेंगे एंटीजन एंड और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं इनकी, और इसमें यहाँ पे हमारा इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि जो इसमें एलिलीज होते हैं एंटीजन्स के, वो आई ए और आई बी हो गई, जो कि ओवर डोमिनेंट हो जाएंगे इस स्मॉल आई के, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे ये थोड़ी देर पहले ये भी देखा था, एक रिलेशनशिप भी देखा कि आई ए इक्वल आई बी है और यहाँ पे क्या है, ये ग्रेटर देन है स्मॉल आई के, क्लियर। और अभी हमने यहाँ पे ये भी अपना समझा था कि किस तरीके से हमारा जो आर बी सी की सरफेस पे अगर ए एंटीजन होगा तो उसका ए ब्लड ग्रुप होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आई ए, और अगर आर बी सी की सरफेस पे बी ब्लड ग्रुप हुआ, मतलब बी ब्लड ग्रुप कैसे हम उसको बताएंगे कि इसका ब्लड ग्रुप बी है, क्योंकि उसके सर्फेस पे क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, क्लियर। तो इसमें हम यहाँ पे देखते हैं, एक आता है हमारा, या आप चार्ट देख लो, आपका एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, आपके यहाँ पे जीनोटाइप दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके इसमें एंटीजन, और एक आपका यहाँ पे दे रखा है एंटीबॉडी, क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, इसके बाद ए बी हो गया और ओ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ये चार्ट बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल लगता है, इसमें दो कंडीशन और दो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, अब ध्यान से समझना इसमें क्या, ये तो सिंपल है हमारा ब्लड ग्रुप, अब हमारा ये हो गया। तो अभी हमने पढ़ा जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं सेम हमारा वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ए एंटीजन है, मैं यहाँ पे लिख दूँ उसमें बी है, और इस ए बी के पास मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ए बी एंटीजन है, ठीक है, बट ओ के पास मैं यहाँ पे लिख दूँ नल, मतलब यहाँ पे नो एंटीजन्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे कोई भी एंटीजन्स नहीं है, ठीक है, नो एंटीजन, क्लियर। इसके बाद बेटा जो आपका एंटीजन होता है ना, सेम उसके अगेंस्ट आपका एंटीबॉडी होता है, क्लियर, वो आपका, मतलब अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी अभी पता है हमें कि कोई भी जो बाहर से ऐसे एंटीजन्स आते हैं जिसके अगेंस्ट
एंटीबॉडी क्या करती है, फाइट करती है उस एंटीजेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट यहाँ पे ये एंटीजेंस हमारा कैसा है, ये एंटीजन क्या है हमारा, जो ब्लड ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सेम एज यहाँ पे इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, इसीलिए बोलते हैं कि हम सेम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाना चाहिए। अगर उसको अलग चढ़ा दोगे आप तो उसमें जो एंटीबॉडी होंगी वो दूसरे में, जैसे सपोज अगर ए ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे इसमें बी एंटीबॉडी हो जाएगी, क्लियर। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर आपने ए वाले ब्लड उसको, मतलब जैसे किसी पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है और किसी पर्सन का बी है, अगर आपने उस ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको आपने बी वाला चढ़ा दिया, दैट मीन्स उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने वाली थी, यहाँ पे ए होनी थी, लेकिन अब उसमें यहाँ पे कौन सी होंगी, बी। तो उसमें एक ऐसा मिसमैच हो जाएगा कि जो भी, मतलब अगर कोई भी उसको डिसीज कॉज होगी तो वो उससे मतलब उसमें प्रॉपर उसे रिकवरी नहीं हो पाएगी उसकी, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे ए बी में जो एंटीजन है, यहाँ पे नो एंटीबॉडी, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये जो ओ है, ओ में कोई एंटीजन तो नहीं है बट एंटीबॉडी है, कौन सी, ए है, बी है एंड ए बी, इसको कैपिटल ही लिख लो, ए बी, ठीक है, ए बी एंड ए बी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और पुट अप होता है कि जो ए बी जो है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब ये रिसीव कर लेता है, इसको कोई भी आप दे दो, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे कोई भी इसका काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ जो होता है वो आपका कहलाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ये किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, ये ले नहीं सकता, ये से क्या करेगा, दे देगा, क्योंकि इसमें सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, क्लियर। अब जीरो टाइप को देख लेते हैं, जीरो टाइप में हमारा क्या आएगा, जीरो टाइप में मैंने अभी आपको बताया इसमें हमारी एलिलीज के फॉर्म में आती हैं, तो इसमें हमारा क्या आएगा, आई ए, आई ए, एक आप इसमें एक केस लिखोगे आई ए स्मॉल आई, क्लियर। यहाँ पे आप बी में लिखोगे आई बी, आई बी, आई बी स्मॉल आई, क्लियर। ए बी में आप लिखोगे यहाँ पे आई ए, आई बी, और यहाँ पे ओ में आप लिखोगे स्मॉल आई, स्मॉल आई। तो बेटा अब इसके जीरो टिपिक आप काउंट कर लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप कितने होते हैं एंड ब्लड ग्रुप में फीनोटाइप। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ फीनोटाइप। तो फीनोटाइप आप याद रखना चार होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ, और जीनोटाइप आपके ये होते हैं, क्लियर। तो अभी हमने अपने इस लेक्चर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा, जिसमें हमने अपनी रेशियो देखी F1 जनरेशन की और F2 जनरेशन की। उसके बाद हमने अपना एक कोर डोमिनेंस देखा जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। उसके बाद हमने इसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स के किस तरीके से कहां से पुट अप हो सकते हैं, क्लियर। अब अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ क्रॉसेस पढ़ेंगे जो कि टेस्ट क्रॉस होगा और बैक क्रॉस होगा। थैंक यू।